गाजीपुर की सुहाबल थाना पुलिस ने ताड़ीघाट रेलवे क्रॉसिंग के पास घेराबंदी कर तीन ट्रकों में 44 भैंसे जो बद के लिए ले जाई जा रही थी, तीन अंतर प्रांतीय पशु तस्करों समेत दबोच लिया। तस्करों सहित पशुओं से लदे ट्रक को पुलिस थाने ले आई, जहां उनके अन्य ग्रुप के सदस्यों के बारे में पूछताछ करने में जुटी है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में तीनों तस्करों के विरुद्ध पशु क्रूरता का मुकदमा कायम कर उनका संबंधित धाराओं में चालान कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से पशु तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही पुलिस पशु तस्करी के मामले में छानबीन में जुटने के साथ ही उनके ग्रुप के अन्य सदस्यों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। बृहस्पतिवार की दोपहर सुहाबल थाने में मीडिया के समक्ष तीनों तस्करों को पेश करते हुए जमानिया पुलिस उपाधीक्षक तेजवीर सिंह ने बताया कि बीते बुधवार की देर रात करीब 11 बजे सुहाबल थाना अध्यक्ष अपने हमराइयों के साथ मेदनीपुर तिराहे के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जरिए मुखबिर सूचना मिली कि पशुओं से लदे तीन ट्रक दिलदार नगर जमानिया होते हुए मेदनीपुर की तरफ जाने वाले हैं, जो उन्नाव जाने की तैयारी में है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष राजू कुमार पुलिस बल के साथ पशुओं से लदे ट्रक की तलाश करने लगे। इसी बीच ट्रक मलसा गरुआमक सुतपुर में किए गए बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए तेज गति से भागने लगा। सूचना पर पुलिस ने ताड़ीघाट रेलवे क्रॉसिंग के पास बैरिकेटिंग कर वाहनों को आड़े तिरछे खड़ा कर दिया। इसी बीच तीन ट्रक तेजी से आते दिखाई दिए, उन्हें रोकने का इशारा करने पर वह तेज गति कर भागने लगे, लेकिन पुलिस के द्वारा किए गए जबरदस्त बैरिकेटिंग देख अपने को पकड़े जाने के डर से ट्रक को खड़ा कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा कर सभी तीनों को दबोच लिया। गाजीपुर से संजय राय की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। ये कल थाना सुहाबल पर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, लगातार गश्त पर थी, तभी एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें तीन ट्रक थाना सुहाबल क्षेत्र से या हमीरपुर से होते हुए जमानिया की तरफ निकल रहे थे। ताड़ीघाट क्रॉसिंग के आसपास रोक कर इनको चेक किया गया, तो इनमें इनकी क्षमता से अधिक इसमें पशु उसमें भरे हुए थे, भैंसे थी। इनको तत्काल जो है इनको रोका गया है और इसमें तीन अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं और इनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत।